अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद रज़ा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीवो वाई 30 का रिव्यू। वीवो वाई 30 एक बिल्कुल लेटेस्ट फ़ोन है और ये मिड रेंज प्राइस फ़ोन है, मार्केट में अवेलेबल है। तो चलें अनबॉक्स करते हैं इसको और देखते हैं कि इसमें क्या खसूसियात हैं और इसके बॉक्स में क्या है और इसकी रेजोल्यूशन, कैमराज और बाकी इसमें क्या क्या फीचर्स मौजूद हैं। वीवो वाई 30 इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है और दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है। एक पहला वेरिएंट इसका 4GB रैम और 64GB रोम के साथ है, जबकि दूसरा वेरिएंट इसका 4GB रैम और 128GB रोम के साथ अवेलेबल है। जो पहला वेरिएंट है उसकी ऑफिशियल प्राइस है तकरीबन 28,000 रुपये और जो दूसरा वेरिएंट है वो उसकी प्राइस है 31,000 रुपये और ये मार्केट में आप आराम से 1,000-2,000 रुपये के डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। आज जो हमारे पास फ़ोन अवेलेबल है वो है 4GB 64GB रोम के साथ। सबसे पहले बॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका बॉक्स बिल्कुल वीवो का टिपिकल बॉक्स स्टाइल है, बिल्कुल जो वाई 30 मॉडल नंबर है मोबाइल का, जो कि ऊपर इसकी स्पेक्स है 4GB रैम 64GB रोम वीवो, एंड दैट फोन इज़ बेसिकली द PTA अप्रूव्ड। हमेशा जब भी आप बाय करें तो कोशिश करें कि आपने PTA अप्रूव्ड डिवाइस ख़रीदनी है, जिससे आप बहुत सारे बाद में अनसीन प्रॉब्लम से बच जाते हैं। तो बैक साइड पे जी इसकी 6.47 आई प्रोटेक्शन स्क्रीन है। बैक साइड पे क्वाड कैमराज हैं, 5000 mAh की बैटरी है और यहाँ पे जो हमारे पास इस वक्त मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है दैट इज़ बेसिकली एमरल्ड ब्लैक। तो देखते हैं जी हमारे पास इस वक्त बॉक्स में क्या अवेलेबल है। सबसे पहले बॉक्स को खोलते हैं। जो आपको चीज़ सबसे पहले ऊपर नज़र आएगी वो होगा एक फोल्डर। इस फोल्डर में देख लेते हैं फोल्डर में क्या है जी। फोल्डर में एक सिलिकॉन मोबाइल कवर है जो कि अच्छी बिल्ड के साथ बना होता है, एंड अगर आप पहले वीवो यूज़ किया है तो आपको यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द क्वालिटी ऑफ दैट सिलिकॉन पाउच, द कवर। उसके अलावा सिम इजेक्टर पिन है एंड देन यूज़र मैनुअल इसका इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़ुबानों में अवेलेबल होता है। तक ये ऑन होता है, बाकी चीज़ें देख लेते हैं। इसमें आपको 5 वॉट का चार्जर मिलता है जो कि इट्स बेसिकली 5 वॉट चार्जर है जो कि इट्स नॉट अ फास्ट चार्जर, और आपको केबल मिल रही है जो कि आप डाटा केबल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और चार्जिंग केबल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो केबल है दिस टाइम दे हैव गिवन द सी टाइप केबल, अगर आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको सी टाइप केबल नज़र आ जाएगी। फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। रिव्यू में जाने से पहले इसको देख लेते हैं कि आपके पास स्क्रीन आपकी जो अवेलेबल है वो है 6.47 स्क्रीन है जो कि 72 रेजोल्यूशन विद 265 PPI में अवेलेबल है, और बॉक्स में हैंड फ्री अवेलेबल नहीं है। जो स्क्रीन आती है आपकी एक ऑलरेडी प्रोटेक्टर के साथ आ रही है, ऑलरेडी इस पर प्रोटेक्टर इंटैक्ट है तो यू डोंट नीड टू गो आउट फॉर द प्रोटेक्टर। सब बैक साइड इसकी प्लास्टिक बिल्ड है, बेसिकली एमरल्ड ब्लैक कलर, लेकिन अगर आप लाइट में देखें तो आपको थोड़ा सा एक ग्रीन टिंट भी नज़र आएगा जो कि बहुत एक अच्छी लुक और बहुत एक अच्छी फील दे रहा है। बैक साइड पे इसके चार कैमराज हैं, वन इज द मेन कैमरा इज 13 MP एंड देन 8 MP अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 MP का डेप्थ सेंसर है इसमें, 2 MP का मैक्रो कैमरा है इसमें, और उसके बिल्कुल कैमराज के तीन कैमराज के बिल्कुल नीचे फ्लैश लाइट है, और इसके अलावा सेंटर में आपका सिक्योरिटी सेंसर है। बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं कि सी टाइप चार्जर या केबल के लिए जगह दी हुई है, स्पीकर है और आपका हेडफोन जैक है, इवन के
एयरफोन्स अवेलेबल नहीं हैं इस मोबाइल सेट में, लेकिन फिर भी आप इसमें एक्सटर्नल एयरफोन इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ बेसिकली द ड्यूल सिम फोन। और यहाँ पे आपके पास दो सिम्स की जगह है, प्लस आपके एक एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड की भी जगह है। अगर आप 128 GB का फ़ोन नहीं लेना चाहते ड्यू टू सम प्राइस फैक्टर और सम अदर रीज़न, तो आप 64 GB वेरिएंट के साथ भी जा सकते हैं, और उसके साथ आप एक एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड, जिनको मेमोरी की ज़रा ज़्यादा फिक्र होती है, वो आप एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। इसके बैक की अगर बात करें, जब हम कैमरा डिस्कस किया था तो कैमरा से थोड़ा सा सरफेस उभरा हुआ है, जो कि यानी कि बैक साइड से थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट हुआ हुआ है। अब हम फ़ोन के अंदर फीचर्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि पहले बताया है कि जो इसकी स्क्रीन है, दैट इज़ बेसिकली 6.4 इंच स्क्रीन विद 720 रेजोल्यूशन विद 265 PPI, और जो इसका स्क्रीन बॉडी स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 93%। सेटिंग्स में चलते हैं, सेटिंग्स में देख लेते हैं आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। फन टच OS विद एंड्रॉयड वर्जन 10। कैमरा की जहां तक बात है, इसमें इस वक्त एक सिंपल मोड अवेलेबल है हमारे पास, जो कि मेन कैमरा यूज़ कर रहा है, दैट इज 13 MP कैमरा है 2.2। इसके अलावा कैमरास में कुछ पोर्ट्रेट मोड आ जाता है, पैनो मोड आ जाता है, इसके अलावा वीडियो है, वीडियो में लेंसेज जो अवेलेबल हैं वो सुपर वाइड अवेलेबल है, मैक्रो लेंस अवेलेबल नहीं है वीडियो में। मोर में देख लेते हैं, मोर में लाइव फ़ोटो है, टाइम लैप्स है, विच इज़ वेरी गुड। जो लोग फोटोग्राफी से ताल्लुक़ रखते हैं या शौक़ रखते हैं, दे वुड बी दे नो बट द टाइम लैप। इसके अलावा जी मेन सुपर वाइड एंगल अवेलेबल है, ये देख सकते हैं सुपर वाइड एंगल, एंड बुके अवेलेबल है, सुपर मैक्रो अवेलेबल है। ये है सेल्फी रिजल्ट्स, और ये हैं डिफरेंट मोड्स पे ली गई पिक्चर्स इस वीवो Y30 के थ्रू। वीडियो में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, वीडियो में आपके इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, वीडियो जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं या जब ऑन द मूव होते हैं तो वीडियो में थोड़ा सा आपको जर्क फुल फील होते हैं। हमने इस फ़ोन पे गेम्स भी टेस्ट की हैं, इस फॉल्ट 8 को टेस्ट किया, शुरू में थोड़ा सा लैग आया लेकिन उसके बाद गेम स्मूथली चलना शुरू हो गई। प्राइस की अगर जहाँ तक बात करें, प्राइस में थोड़ा सा हाई है, और इस प्राइस रेंज में आप कुछ फीचर्स इन्हांस कर सकते थे, लाइक फास्ट चार्जिंग एक ऑप्शन था अवेलेबल, वो आप दे सकते थे, फास्ट चार्जर आप प्रोवाइड कर सकते थे, एक्सेसरीज में आप इसमें हैंड फ्री ऐड कर सकते थे। नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो, नए फीचर्स, किसी नई चीज़ के साथ आपके लिए हाजिर होंगे। आखिर में हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नए आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।